हाय गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। यह सौरभ डॉग कैनल, आपका अपना चैनल। आज हम बात करेंगे रॉटविलर के ऊपर। रॉटविलर एक ऐसा ब्रीड जो मेरे दिल के बहुत ही पास और मेरे मन के बहुत ही खास है। और आज की जो चर्चा है रॉटविलर की, वो इन बातों पे है कि बहुत सारे लोगों को मिथ होता है कि रॉटवाइलर जो होता है वो अपने मालिक को ही काट लेता है, या लापरवाह होता है, बातें नहीं मानता, या फिर ऑनेस्ट नहीं होता, डिसऑनेस्टी करता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। रॉटवाइलर ब्रीड बहुत ही ज़बरदस्त, स्ट्रॉन्ग, इम्यूनिटी से मजबूत और मालिक के लिए वफादार ब्रीड होता है। ये बहुत लॉयल होता है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रॉटवाइलर के साथ बहुत 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 ज़्यादा अच्छा रहा है। हाँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि हाँ किसी रॉटवाइलर ने मुझे नहीं काटा। काटा है, निश्चित रूप से काटा है, बट वो मेरी अपनी गलती की वजह से। जब तक आप कोई बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, तब तक आपको कभी भी एक रॉटवाइलर क्या, एक गली का स्ट्रीट डॉग भी बिना मतलब या बिना किसी मकसद के नहीं काटता। अच्छा, जो कहते हैं कि मालिक को भी काट लेता है, ऐसा कर देता है, वैसा कर देता है, तो स्पेसिफिकली रॉटवाइलर का मैं ब्रीडर हूँ। मेरे फार्म पे टोटल 17 रॉटवाइलर है, जिसमें से 3 मेल है, 14 फीमेल है। और जिनके पास मैंने रॉटवाइलर रखवाया हुआ है, मतलब जो वहाँ के सुपरवाइज़र हैं, उनकी 3 साल की भतीजी है, मेरी 3 साल की भतीजी है, उनकी बेटी है और 1.5 साल का बेटा है छोटा। और वो लोग जाते हैं फार्म में, घुसते हैं, इनको सहलाते हैं। ये तो पपी है 1 मंथ का, 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल के रॉटवाइलर हैं। कभी आज तक मेरे घर में या मेरे फार्म पे कोई हादसा या कोई नुकसान नहीं हुआ है। जहाँ तक बात की जाए रॉटवाइलर की, रॉटवाइलर सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर में आता है, ब्लैक एंड टैन। इनको पहचानने के मुख्य तरीके क्या होते हैं, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो ये ब्लैक एंड टैन आते हैं, जैसे कि मैंने बताया। कहीं पे अगर वाइट स्पॉट है, हाथों पे, चेस्ट पे, पूंछ पे, तब वो प्योर की कैटेगरी में नहीं आता। या फिर अगर कोई आपको अच्छा बच्चा दिख रहा है जिसकी टेल ऐसे रिंग हो रही है, तब भी वो ओरिजिनल की कैटेगरी में नहीं है। रॉटवाइलर की दुम सीधी होती है या हल्की सी उठी होगी, देखिए हल्का सा उठाया है बट रिंग नहीं कर रहा। ऐसे रिंग करे तो दिक्कत है, बट ये रिंग नहीं कर रहा, ये बिल्कुल स्ट्रेट। अच्छा, कैसे पहचानेंगे कि एक पपी जो है हेवी बोन है या लो बोन का है? तो एक हेवी बोन बच्चा 1 महीने 35-40 दिन की एज में कम से कम 3 से 3.5 kg का होना चाहिए 1 मंथ की एज में। ये एक पपी मेरे पास है, इसका एक्चुअल जो बॉडी वेट है अभी 2 kg 900 g है। ये पूरा 3 किलो का नहीं है, ये अभी 29 days का हुआ है, ठीक है। ये सेल्फ फीडर है, खुद से खा भी रहा है, पंच फेस है। अब रॉटवाइलर में पंच फेस क्या होता है? रॉटवाइलर बेसिकली 2 कैटेगरी में आते हैं, एक जर्मन रॉटवाइलर होता है, दूसरा अमेरिकन रॉटवाइलर होता है। जर्मन रॉटवाइलर को ही यूरोपियन रॉटवाइलर भी कहा जाता है। कैसे? क्योंकि जैसे एशिया में इंडिया है, ठीक है, एशिया में इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है ना, उसी तरह यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, जो यूरोप में, यूरोप में आपका जर्मनी आता है, तो बेसिकली रॉटवाइलर ये वाला जर्मन रॉटवाइलर है, तेज देखे घुसा हुआ है। हमेशा आपको एक अच्छा बच्चा फ्रंट से अच्छा दिखेगा, साइड में साइड से भी आपको पंच दिखेगा। हमेशा ऐसे देखें, ऐसे आप देखेंगे, ये ऐसे देखें, इसको मज़ल देखें, शॉर्ट मज़ल। मैंने अगर नाक पे उंगली रखा, मेरी उंगली से 1 इंच भी बाहर नहीं है इसका फेस, ऐसे अगर आप देखें तो ये पहचान होती है। अब आप इसके फेस को गौर से देखिएगा, मैं आप ही के पास से दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप इसका मज़ल, ये इस पपी का मज़ल है, ये फ्रंट लुक है। और रॉटवाइलर पहचानने का सबसे एक और आपको बढ़िया तरीका बता दूँ, ये जो 2 डॉट्स आप देख रहे हैं, ये 2 डॉट्स एकदम आइडियल, एकदम बराबर होते हैं और आँखों की पुतलियों के ठीक ऊपर होने चाहिए, थोड़े से इधर नहीं, थोड़े से उधर भी नहीं। दूसरा, एक अच्छे रॉटवाइलर में अक्सर, मैं ये नहीं कहूँगा ये होना ही चाहिए, लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है जो ये नीचे का ब्राउन या टैन कलर है, इसकी जो उंगलियां हैं ना, उंगलियों के नाखूनों पे ब्लैक डॉट रहता है। देखिए इस बच्चे के हैं, ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे पे नहीं है तो आप कहें वो प्योर नहीं, वो भी प्योर होगा, बट ये अच्छे रॉटवीलर्स में अक्सर देखने को मिल जाता है। ये जो आप मार्किंग्स देख रहे हैं, डैशाउंड या डॉबरमैन में भी ऐसी मार्किंग अक्सर देखने को मिल जाती है, अच्छी ब्रीड्स में, ब्लैक एंड टैन डैशाउंड में, ब्लैक एंड टैन डॉबरमैन में, और एज वेल एज ब्लैक एंड टैन रॉटवाइलर में भी। तो ये बहुत अच्छा बच्चा है, पंच फेस का है,
हेवी बोन का है, गुड क्वालिटी का है, ठीक है, इसको आप एक ही एक अच्छा पेट बन सकता है आपके घर के लिए। और रखवाली ये बहुत ज़्यादा अच्छी करता है, बहुत 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 ज़्यादा अच्छी करता है। मैं हाल ही की एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ बूजो की। बूजो हमारा डॉग है, रॉटवाइलर, मेल, 9 मंथ का हो रखा है। बनारस में ही सारनाथ में हमारे एक जानने वाले हैं, ज्वेलरी शॉप है उनके, तो क्योंकि ज्वेलरी शॉप है तो आए दिन बड़ा पेमेंट आता जाता रहता है। 9 लाख रुपए का पेमेंट आया था, सोने चांदी की दुकान है उनकी। और ये बच्चा इत्तफाक से या संयोग से या ऊपर वाले की मर्जी से उस दिन उनके पास था। 2 लोग आए, हेलमेट लगाए हुए थे, मास्क पहने हुए थे, किसी तरह से उनको पता चल गया, वो बैग छीनने जा रहे थे, ये रॉकेट की तरह गया, तुरंत हाथ पकड़ा, काटा, खून खून किया 4-5 सेकंड में, फिर दूसरा वाला भाग रहा था शीशे का दरवाज़ा खोल के, उसके भी पीठ पे पकड़ लिया। इतने देर में वहाँ के 4 स्टाफ 3 स्टाफ और वो मालिक साहब खुद ही पकड़ के मार वार के पुलिस को बुला के दिए। तो समवेयर 9 लाख रुपये रॉटवाइलर ने उनके बचाए। मैं वीडियो में उनका नाम नहीं ले सकता, ज्वेलरी शॉप है उनकी, तो तब से वो उनके घर का एक सदस्य हो गया है। वो उसको गैराज में नहीं रखते, वो डेली उनके साथ कार में आता है, डेली उनके साथ कार में जाता है। सेम ऐसा ही इंसिडेंट एक और ज्वेलरी शॉप पे हमसे जर्मन शेफर्ड फीमेल लेके गए थे। ये मुद्दा जो है ये हमारे लक्सा का ही है, ये पिछले महीने की बात है। तो समवेयर जब आप एक सिक्योरिटी या गार्डिंग डॉग लेते हैं तो वो कई तरीके से आपकी मदद करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रॉटवीलर के बारे में सारे मिथ, सारी अवधारणाएं बिल्कुल बिल्कुल भुला दें। 20 उंगली का होना चाहिए, 26 उंगली का होना चाहिए, 40 उंगली का होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। उंगलियां आनुवंशिक लक्षणों की निशानी है। अगर इसको 24 उंगली है तब भी ये रॉटवाइलर है, अगर ये 20 उंगली है तब भी ये रॉटवाइलर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सौरभ आपके साथ, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।